बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो जी, आज के व्लॉग का आगाज़ हमने कर दिया है संडे से, और मैं आपको ये दिखा रही हूँ पैराशूट का कोकोनट ऑयल। 100% प्योर कोकोनट ऑयल है और यकीन करें काफ़ी अच्छा है। अच्छा, तब तो ये 320 की बॉटल मिली है, ये बड़ी बॉटल है और ये छोटी बॉटल है। तो अब तो ये 320 की मिली है और ना जाने पता नहीं कितने की थी। मेरे हस्बैंड तो शुरू से ला रहे हैं माशाल्लाह से, 3 साल से ये कोकोनट ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी बेबी के लिए। अच्छा, 3 साल से नहीं, सॉरी, मेरी बेबी 2 साल की अब होगी अगले महीने, मतलब उस अभी 2 महीने हैं उसके 2 साल के होने में। तो मैं शुरू से, जिस दिन से मेरी बेबी पैदा हुई है ना, तो उसमें उसके लिए जो है मैं ये शुरू से उसकी जब मैं डायपर पैम्पर वगैरह चेंज करती हूँ और स्पेशली रेगुलर। अच्छा, मैंने ना बहुत सारे लोग जो है ना क्या कहते हैं वो सर्दियों में बच्चे को कोकोनट ऑयल के लगाते हैं कि स्किन चिकनी रहे, ये रहे, वो रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने जो है इसको पहले ही दिन से, जिस दिन से मेरी बेबी पैदा हुई है उस दिन से लेके अब तक के माशाल्लाह वो 2 साल की होने वाली हैं, मैंने हमेशा जब भी पैम्पर या डायपर कुछ भी मैंने उसको बांधा है तो वो, या मैंने कोई भी चड्डी वाली पैकिंग की है आरजी तौर पे, या शुरू में जब बच्चा छोटा होता है उसको लंगोट बनता है, तो मैंने हमेशा ये कोकोनट ऑयल उसकी स्किन पर, यूट्रस पर, वजाइना क्या कहते हैं बेबी की जो नीचे की पेशाब की जगह होती है उस जगह पर मैंने जो है ये हमेशा से कोकोनट ऑयल यूज़ किया है, और हिप पर और साइडों पर सब जगह। तो आप यकीन करें मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस ऑयल के साथ। आज की मोटिवेशन स्टोरी में मैं ये आपको बताना चाहती थी कि जो जो मैं अपनी बेटी के लिए अप्लाई करती थी और अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि मुझे बहुत सा फ़ायदा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को भी ये चीज़ें बताऊँ ताकि वो भी इन चीज़ों से कुछ समझें, सीखें और कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें। तो व्यूवर्स, मैं आप सिर्फ ये आप यकीन करें, मेरे तो सांस भी नहीं है, मेरी तो मेरी अम्मी का मैका भी बहुत दूर है, तकरीबन 125 किलोमीटर डिस्टेंस का फासला है जिस पर, यानी कि 134 किलोमीटर पे मेरी अम्मी का घर है। तो मैं तो रोज़ नहीं जा सकती थी, मेरी बेबी पैदा हुई मैं ससुराल में थी, यहाँ कोई था भी नहीं करने वाला। मेरी एक सिस्टर है वो भी जॉब करती है, वो भी नहीं होती थी, सिस्टर इन लॉ वो रात दोपहर 3 बजे तक तो आती हूँ, बेचारी थकी हुई होती थी, फिर वो घर के काम करती थी, वो क्या बेचारी मुझे देखती थी, और उनकी शादी भी नहीं हुई है, उन्हें इतनी मालूमात भी नहीं थी। तो इस वजह से जो है ना कि मैंने फिर मैं खुद ही अपने आप को हैंडल करती थी। हाँ, इस बारे में मेरे हस्बैंड को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, खुशी दे, सेहत दे, सलामती दे और हमेशा हम पर उनका साया रखे, आमीन, और सबके शोरों का सुहाग उन पर, बीवियों पर सलामत रहे, आमीन, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था मेरी प्रेगनेंसी में, बेबी की पैदाइश से लेकर अब तक के लिए। तो मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं था। आज अब तो रेशनल क्रीम आ गई हैं, बहुत सारी रेशिस की क्रीम आ गई हैं बेबीज़ के लिए, बहुत सारी मदर्स यूज़ भी कर सकती हैं, बहुत सारी मदर्स यूज़ कर भी नहीं पाती हैं, उनकी इतनी रेंज नहीं होती है। तो मैं उन्हें भी यही कहूँगी कि आपके घर में अगर कोकोनट ऑयल नहीं है, रेशनल क्रीम्स आप परचेज नहीं कर सकते, तो कोई भी चिकनी चीज़, यानी कि वो वैसलीन होती है, वो सरसों का तेल होता है, कोई भी चिकनी चीज़ अपने बच्चे की स्किन पे, डायपर बांधने से पहले हिप पे और आगे पीछे सब जगह अच्छे से स्किन पे उसकी चिकनी चीज़ अप्लाई करके उसको पैम्पर बांध दें, कभी भी उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा पेशाब पोटी से, कभी भी उसको पैम्पर से कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और कभी भी उसकी उस जगह पर तकलीफ़ नहीं होगी, ना ही वो परेशान होगा, ईजी और कम्फर्ट फील करेगा। तो और इस्पेशली जब बच्चों की टीथिंग हो रही होती है, यानी कि दांत वगैरह निकल रहे होते हैं उस वक्त, तो बच्चे पर बहुत ज़्यादा मोशन वगैरह का मसला होता है, टेम्पर एक के बाद एक चेंज करना पड़ता है, उसकी जगह से ही बच्चे की पॉटी की जगह जो है वो ख़राब हो जाती है। उस वक्त अगर आप शुरू से ये चीज़ लगाएंगे आपकी बच्चे की स्किन कभी ख़राब नहीं होगी। सर्दियों में इसके अलग फ़वाद हैं, ड्राई स्किन को स्मूथ करती है और जो है रंग, इससे जो है ना, एक बात कमाल की बताऊं, इससे जो है ना रंग काला नहीं होता बच्चे का, यानी कि बेबी की वो जगह भी काली नहीं होती। बहुत सी चीज़ों से हम लगाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा बच्चे तो गोरे होते हैं, बच्चों की वो जगह काली होती है, उसकी वजह ये होती है कि ना मदर्स सही से केयर नहीं करती है, एक तो सफाई वगैरह का ख्याल नहीं रख पाती ठीक से, और या फिर कोई चीज़ उनके पास यूज़ करने के लिए अच्छे से नहीं होती जो कि बच्चों को वो चीज़ प्रोवाइड करें। आपने अमूमन बच्चों को देखा होगा कि बच्चों के पास जो है बच्चों की वो जगह काली होती है, पेशाब की जगह हो गई है वो, और बाकी बच्चे का रंग गोरा होता है। देखिए, इससे जो है रंग भी बच्चे का
क्लियर रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। अगर वो बच्चे का रंग मध्यम भी है ना तो वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि आप कोकोनट के बारे में तो वैसे भी जानते हैं कोकोनट इतना हेल्पफुल होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज की मोटिवेशन स्टोरी में यही था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको अप्लाई करें, इस्तेमाल करें और इसका रिज़ल्ट चेक करें। और रेशनल क्रीम 100 रुपये, 200 रुपये कितने तक की हो गई है मुझे नहीं पता, मैंने क्योंकि आज तक ली नहीं है। पहली बात तो ये बताऊँ, मैंने ली नहीं है। मैंने शुरू से अपनी बेबी को कोकोनट ऑयल अप्लाई किया है, मुझे ना किसी ने बताया था ना कुछ, मेरी अपनी सेंस कि ये ऑयल अच्छा है, बस मेरी अपनी सेंस ही। और फिर जब वाकई मैंने नेट पर इसके फ़वाद सर्च किए तो बहुत ही अच्छे फ़वाद हैं। तो जी मैं वही चीज़ आपको बताऊँगी जो मैं ख़ुद अपनी बेबी पर इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 साल की हो गई है माशाल्लाह, आज तक मुझे किसी चीज़ का कोई इशू नहीं हुआ। तो मैं हमेशा आप लोगों को वो चीज़ नहीं बताऊंगी जिससे कि आपको भी नुकसान हो या आपके बेबी को नुकसान हो, ये अच्छी चीज़ है। तो आज की स्टोरी में यही था, आप लोग इस्तेमाल करें और फिर उसका रिज़ल्ट बताएं कमेंट सेक्शन में, इसके बारे में मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा।